वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं। है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी शाप, देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज बताऊंगा Asus ZenFone Max Pro M2 के अंदर आप अपने जो फिंगरप्रिंट के थ्रू अपने सेल्फी या कैमरा कैसे यूज कर सकते हैं। ये काफी बढ़िया फैसिलिटी है, आपको पिछले दिन बहुत सारे वीडियो में देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं, एक एप्लीकेशन आता है फिंगरप्रिंट, ये जो एप्लीकेशन है इसको आप टर्न ऑन कर दीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके, और यहाँ पर टर्न ऑन करके एक्सेसिबिलिटी में इसको इनेबल कर दीजिए, फिर इसको ओके कर देना। जैसे ओके करेंगे टर्न ऑन ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे बैक कर जाइए, फिर से दोबारा जाइए। यहाँ पे जाने के बाद रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट वो कह रहे, जब तक आप अपने फ़ोन के अंदर कोई फिंगर प्रिंट रजिस्टर नहीं करोगे तब तक ये डिटेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें जाना है सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी एंड लोकेशन के अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे इस वीडियो की प्रायोजक है GSP Labels Private Limited। तो ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करता है स्टिकर्स एंड लेवल्स, जो कि साइकिल और ई रिक्शा बाइक इन सभी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बाइक। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए और आपको सर्विस अच्छा मिलेगा, बहुत बेस्ट अच्छा क्वालिटी के स्टिकर बनाते हैं, नंबर वन क्वालिटी के प्रिंटर यूज करते हैं। एक फिंगरप्रिंट एक्सेस करना है, नेक्स्ट कर दीजिए, पैटर्न यस, तो पैटर्न लगा दिए हमने। इसके बाद फिर दोबारा पैटर्न, अब इसके अंदर ऑल, अब इसके अंदर नोट फिंगरप्रिंट का जो है वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है डन। अब चले जाते हैं उसके अंदर, यहाँ पर लोकेट द कैमरा शटर, ये काफ़ी बढ़िया है। आप यहाँ पे नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करने के बाद आपको चूज करना है कौन सी कैमरा में, मैंने ये वाला कैमरा में मुझे करना है। तो ये जो कैमरा का शटर है ये वाला, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे रख देंगे कैमरा के जहाँ शटर होता है। ओके ठीक है, अब जब क्या करना है, अब यहाँ पर एक बार देखिए ये वाला कैमरा है, तो इसका फिंगरप्रिंट लेते ही क्लिक हो गया। अगर ये सामने वाला मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे इसको फिंगरप्रिंट से क्लिक हो जाएगा। यहाँ पर सेल्फी वगैरह कुछ बहुत कुछ ले सकते हैं आप, इसी तरह यूज करके आपके फ़ोन से आप फिंगरप्रिंट सेंसर के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स है, आप इसको यूज करिए अपनी मैक्स प्रो M2 के अंदर। और बस ये था आज का वीडियो, मैं मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।